नमस्कार दोस्तों, सादर जय श्री राम। आप देख रहे हैं सनातन धर्म चैनल, श्री नारद मीडिया चैनल भी सनातन धर्म का ही एक सहयोगी चैनल है, एक सखा है। तो आपने अब तक सनातन धर्म चैनल पर शिव पुराण, गरुड़ पुराण की कथाएं सुनी। गरुड़ पुराण में एक साथ दो कथाएं चल रही है। ऐसे आप जानते हैं कि गरुड़ पुराण तीन खंडों में है। पहला खंड है गरुड़ पुराण का आचार कांड, दूसरा है धर्मकांड यानी प्रेतकल्प, और तीसरा है ब्रह्मकांड। तो प्रेतकल्प जो है वो सारोद्धार, गरुड़ सारोद्धार के नाम से कथाएं चल रही है, दिखाया जा रहा है। और आचार गरुड़ पुराण का आचार कांड को गरुड़ पुराण के नाम से हम कथाएं आपको दिखा रहे हैं। तो हमारे चैनल पर जाइएगा तो प्लेलिस्ट में दो है, एक गरुड़ सारोद्धार है और एक गरुड़ पुराण है। तो गरुड़ पुराण की कथाएं जो है उसमें आज हम आगे बढ़ते हैं। और मानस सृष्टि वर्णन, दक्ष प्रजापति द्वारा मिथुन धर्म से सृष्टि का विस्तार की कथा आपको हम सुनाने जा रहे हैं। चलिए एक बार भगवान विष्णु के ध्यान कर लें, जयकारा लगा लें। भगवान विष्णु की जय, माँ लक्ष्मी की जय। श्री हरि ने पुनः कहा, हे रुद्र, प्रजापति ब्रह्मा ने परलोक में रहने वाली मानस प्रजाओं की, सृष्टि के अनंतर सृष्टि विस्तार करने वाले मानस पुत्रों की सृष्टि की। उनसे धर्म, रुद्र, मनु, शनक, सनातन, भृगु, सनत कुमार, रुचि, श्रद्धा, मरीचि, अत्रि, अंगिकरा, पुलत्स, पुलुह, क्रतु, वशिष्ठ और नारद का प्रादुर्भाव हुआ। साथ ही बहिर्षद, अग्निवाद, क्रव्याद, आजप, सुकालीन, उपहुतु एवं दिव्य नामक सात पितृगण उत्पन्न हुए। इन बहिर्ष दादी सप्त पितृगणों में प्रथम तीन पितृगण अमूर्त रूप और शेष चार मूर्तिमान हैं। कमल योनि ब्रह्मा के दक्षिण अंगूठे से ऐश्वर्य संपन्न दक्ष प्रजापति और वाम अंगूठे से उनकी भार्या का जन्म हुआ। प्रजापति ने अपनी उस पत्नी के गर्भ से अनेक शुभ लक्षणों वाली कन्याओं को उत्पन्न किया और उन्हें ब्रह्मा के मानस पुत्रों को समर्पित कर दिया। उन्होंने सती नामक पुत्री का विवाह रुद्र के साथ किया। उनसे रुद्र के असंख्य महाप्रक्रमशाली पुत्रों की उत्पत्ति हुई। आपको हम बताते चलें कि यक्ष धन के देवता हैं। ये धन के लिए पूज्य होते हैं, भक्षण पूजा का एक भाग है। यक्ष धन प्रदान करने के लिए धन की कामना करने वालों से भक्षण की उपेक्षा रखते हैं। इसी दृष्टि से भक्षण के आधार पर यक्ष नाम समझना चाहिए। यक्ष का अर्थ पूजा भी हो सकता है, इसलिए ऋग्वेद में भी इसकी चर्चा की गई है। आगे हम कथा की ओर बढ़ते हैं। दक्ष ने असाधारण रूपवती सुंदर लक्षणों वाली ख्याति नामक पुत्री भृगु को समर्पित की, जिससे भृगु के दाता और विधाता नामक दो पुत्र हुए। उसी ख्याति से भगवान नारायण की जो श्री नामक पत्नी हैं उनकी भी उत्पत्ति हुई। उन श्री के गर्भ से हरि ने बल और उन्माद नाम के दो पुत्रों को उत्पन्न किया है। महात्मा मनु के आयाति और नियति नाम वाली दो कन्याएं हुई, जिनका विवाह भृगुपुत्र दाता और विधाता के साथ हुआ। उन दोनों से एक एक पुत्र का जन्म हुआ। आयति के गर्भ से दाता ने प्राण और नियति के गर्भ से विधाता ने मृकुंडों को उत्पन्न किया। उन्हीं मृकुंडों से महामुनि मार्कंडेय की उत्पत्ति हुई। मरीचि की पत्नी संभूति ने पौर्णमास नामक एक पुत्र को जन्म दिया
उस महात्मा पूर्णमास के दो पुत्र हुए जिनका नाम बिरजा और स्वर्ग स्वर्ग है। अंगिरा ने दक्ष कन्या स्मृति से अनेक पुत्रों और सिनी वाली कुहु राका तथा अनुमति नामक चार कन्याओं को जन्म दिया। अनुसुईया ने अत्रि से चंद्रमा दुर्वासा एवं योगी दत्तात्रेय नामक तीन पुत्रों को उत्पन्न किया। पुलत्स की पत्नी प्रीति से दतोली नामक पुत्र हुआ। प्रजापति पुलुह की पत्नी क्षमा से कर्मस अर्थवीर तथा सहिष्णु नामक तीन पुत्र उत्पन्न हुए। क्रतु की पत्नी समुति से 60,000 बालखिल ऋषियों की उत्पत्ति हुई। ये सभी ऊर्ध्वेरता अंगुष्ठ पर परिमाण वाले तथा दैदीप्यमान सूर्य के समान तेजस्वी हैं। वशिष्ठ की पत्नी ऊर्जा से रज गात्र ऊर्ध्वबाहु शरण अनग सुतपा और शुक्र ये सात पुत्र हुए। ये सभी सप्त ऋषि थे। हे हर, उस दक्ष प्रजापति ने शरीरधारी अग्नि को स्वाहा नामक पुत्री प्रदान की थी। उस स्वाहा देवी ने अग्निदेव से पावक पवमान तथा सूचि नामक ओजस्वी तीन पुत्रों को प्राप्त किया। दक्ष कन्या स्वाधा ने पितरों से मेना तथा वैतरणी नाम वाली दो पुत्रियों को जन्म दिया। वे दोनों कन्याएं ब्रह्मवादिनी थी। मेना का विवाह हिमाचल के साथ हुआ। हिमाचल ने मेना से मैनाक नामक पुत्र उत्पन्न किया था तथा गौरी पार्वती नाम से प्रसिद्ध पुत्री को उत्पन्न किया जो पूर्व जन्म में सती थी। हे शिव, तदंतर भगवान ब्रह्मा ने अपने ही समान गुण वाले स्वयंभू मनु को जन्म दिया और उन्हें प्रजा पालन के कार्य में नियुक्त किया। उन्हीं ब्रह्मा से देवी शतरूपा का आविर्भाव हुआ। सर्व वैभव संपन्न महाराजा स्वयंभू मनु ने तपस्या के प्रभाव से परम शुद्ध तपस्विनी उस शतरूपा नामक कन्या को पत्नी रूप में ग्रहण किया, जिससे प्रियवत और उतानपाद नामक दो पुत्र तथा प्रसूति आकुति और देवहूति नाम के तीन पुत्रों का जन्म हुआ। उनमें से मनु ने आकुति नामक कन्या का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया। प्रसूति तथा देवहूति क्रमशः दक्ष एवं कर्दम मुनि को प्रदान की गई। रुचि से यज्ञ और दक्षिणा का जन्म हुआ। यज्ञ से दक्षिणा के 12 पुत्र हुए जो महाबलशाली याम के नाम से प्रसिद्ध हैं। दक्ष प्रजापति ने प्रसूति से 24 श्रेष्ठ कन्याओं की उत्पत्ति की। उन कन्याओं में श्रद्धा लक्ष्मी धृति तुष्टि पुष्टि मेधा क्रिया बुद्धि लज्जा बपु शांति रिद्धि और कीर्ति नाम की जो 13 कन्याएं थी उनको पत्नी के रूप में दक्षिणा के पुत्र धर्म ने स्वीकार किया। इसके बाद शेष जो ख्याति सती संभूति स्मृति प्रीति क्षमा सन्नति अनुसुईया ऊर्जा स्वाहा और स्वाधा नामक 11 कन्याएं थी उनका विवाह क्रमशः मुनिश्रेष्ठ भृगु महादेव मरीचि अंगिरा पुलत्स पुलु क्रतु अत्रि वशिष्ठ अग्नि और पितृगणों के साथ हुआ। श्रद्धा ने काम लक्ष्मी ने दर्प धृति ने नियम तुष्टि ने संतोष तथा पुष्टि ने लोभ को उत्पन्न किया। मेधा से श्रुत का तथा क्रिया से दंड लय और विनय नामक तीन पुत्रों का जन्म हुआ। बुद्धि ने बोध को लज्जा ने विनय को बपु ने व्यवसाय एवं शांति ने क्षेम को उत्पन्न किया। रिद्धि से सुख और कृति से यश उत्पन्न हुए। ये सभी
धर्म के पुत्र हुए। ये सभी धर्म के पुत्र हैं। धर्म के पुत्र काम की पत्नी का नाम रति है, उसके पुत्र को हर्ष कहा गया है। दक्ष प्रजापति ने किसी समय अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में रुद्र और सती के अतिरिक्त निमंत्रित यक्ष के सभी जमाता अपनी पत्नियों के साथ उपस्थित हुए। ऐसा देखकर बिना बुलाए ही सती भी उस यज्ञ में जा पहुंची, किंतु वहां अपने पिता दक्ष के द्वारा किए गए तिरस्कारपूर्ण व्यवहार को देखकर उनसे न रहा गया और उन्होंने वहीं पर अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। वे ही सती पुनः हिमालय से मैना के गर्भ में उत्पन्न हुई और गौरी के नाम से प्रसिद्ध होकर शंभु की पत्नी बनी। तदंतर उनसे गणेश और कार्तिकेय हुए। अत्यंत क्रुद्ध महातेजस्वी भृंगेश्वर पिनाकपाणि भगवान शंकर ने यज्ञ को विध्वस्त करके उस दक्ष को यह श्राप दिया कि तुम ध्रुव के वंश में मनुष्य होकर जन्म ग्रहण करोगे। ये आपको हम गरुड़ पुराण का 5वां अध्याय का हमने कथा आपको सुनाया। आप को यह कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। सादर जय सियाराम दोस्तों।